हाँ जी, हेलो बच्चों, अपन नवी वीडियो लेके आ गए जी। तो देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है जी। सो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला अपन लेसन अपन कर रहे हैं। तो देखो, ठीक है जी। सो देखिए जी, अपन अगले क्वेश्चंस जड़े हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं मैं बना रहे, ठीक है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो सब तो पहला अपन ने की करना है, अपन सब तो पहला देखना है कि यदि आ घात है जी, ये पॉजिटिव करनी है, तो अंदरली रकम उल्टा कर दे दी है जी। तो देखो, ये घात पॉजिटिव हो जाता है। हाँ जी, हो गया जी। अंदरली अपा ने क्या करनी है, उल्टा कर देनी है। 3/2 हो गया, हूँ 3/2 की पावर 2 है, मैंने 3/2 में 3/2 ना 3 किन्ना हो गया जी, 9, 2 दूनी किन्ना हो गया 4। सो 9/4 थोड़ा आंसर आ गया। सो ईजी है जी थोड़े को, पर पेपर च लाजमी आ जाना हैगा थोड़े को, ठीक है जी। कहिंदा एक्सप्रेस एज पावर्स विद 2, मतलब जेड़ा हैगा थोड़े को, जेड़ा हैगा थोड़े को अपन एक्सप्रेस करना हैगा एज ए पावर विद 2, मतलब 2 की पावर च अपन एक्सप्रेस करना हैगा, 2 की पावर, ठीक है। कर दें, 4 जेड़ा हुंदा उनु अपा 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 4 2 की पावर 2 हुंदा है। सो इतने 4 की पावर -3 है ना, तुसी 2 की पावर 2 कर दोगे, उत्ते -3 कर दोगे, तो इन्हें गुणा खा जानी है ना, थोड़े को 2 × 3 = 6, तो 2 की पावर -6 थोड़ा आंसर आएगा। सो 2 की पावर इनू कहते 2 की पावर विच एक्सप्रेस करना, ठीक है। एक्सप्रेस दिस एज पावर विद बेस 2, एज पावर विद उरे बेस कर लियो थोड़े को बेस 2, ठीक है जी। सो जेड़ा हैगा पावर एक्सप्रेस करना जिदा बेस 2 होवे, जिदा आधार 2 होवे, ठीक है जी। हुण उस तो बाद है ना, जेड़ा थोड़े को आ चीज़ है, यदा कोई किसी भी चीज़ की पावर 0 भी आंसर 1 आना, इनू हल करने की जरूरत नहीं गई इंडिविजुअली। सो आंसर 1 आएगा, और लाजमी लाजमी 1 आएगा। सो इस करके तुसी 1/3, 1/4, 1/5 एलसीएम लैके नहीं जोड़ने हैं, ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन जोड़ा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैगा थोड़े को। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैगा, तो किमें हैगा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ता इहदा मतलब 5 ते इत्थे भाग है। अगर तुहाडे कोल रूल की है, अगर तुहाडे कोल ना भाग हो रही होवे, मतलब ए दी पावर एम होवे, भाग होवे ए दी पावर एन होवे, तां आधार सेम होवे, तां घटदियां होंदियां एम माइनस एन आ जाना होंदा, ठीक है। मतलब जेकर आधार समान होवे तां भाग करन ते ਘਾਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਭਾਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਮ ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਭਾਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ m ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਘਟਣੀ ਹੈ, 1 ਘਟਾਓ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਧਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਘਾਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਐਮ +3 = 5, ਇਹ 3 ਉੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 5 ਘਟਾਓ 2, ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 3, ਉਰੇ 5 ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਐਮ ਆ ਗਿਆ 3। ਸੋ ਐਮ ਆ ਗਿਆ 3, ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਘਾਤ -1 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 2/1 ਕਰਕੇ +1 ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 4/1 ਕਰਕੇ +1 ਕਰ ਲਓ, ਉੱਤੇ -1 ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ -1 ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ 4 ਪਲੱਸ ਤਾਂ 2, ਬੜੀ 'ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਘਟਾਓ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਦੀ ਲਓ। ਸੋ -2 ਉੱਤੇ -1, ਸੋ -1/2 ਉੱਤੇ +1, ਸੋ -1/2 ਉੱਤੇ +1, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਅਗੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਲਓ, 3/1 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਲਓ, 4/1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗ�ा, ਉੱਪਰ -1 ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ -1 ਹੈ, ਸੋ +3 -1 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ -1 ਆ ਜਾਊਗਾ, +3 -4 -1,
ठीक है। सो ए वाली चीज़ होगी जी, तो ए वाली चीज़ होगी तो हूँ इनू उल्टा करना है आपा, तो माइनस एक नू उल्टा करोगे तो माइनस एक ही आ जाएगा ना, उल्टा भी करोगे एक बटा एक आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि आंसर माइनस एक ही आएगा थोड़े को। सो आंसर माइनस एक आएगा तो थोड़े पास आ वाला थोड़ा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। सो अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान ना देखना जी, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इनू समझण विच थोड़ी जी मेहनत करनी पैंदी है, पॉइंट तो मगर अक्षर गिनो किन्ने, 1 2 3 4, ठीक है जी। पॉइंट हटा दो, हेठा 4 जीरो ला दो, लातिया जी। आ जीरो का कोई मतलब नहीं है, आ जीरो का कोई मतलब नहीं है, मतलब अगर तुसी 1 दे आगे जीरो पाओ तो 10 होंगे, 1 दे पिछे जीरो पाओ तो 10, आगे जिन्नी मर्जी पा लो तो को बने रहना, तो यह मतलब आ जीरो का तो मतलब कोई है नहीं। ये बन गया 16/10,000, ठीक है जी। हूँ आप इस क्वेश्चन नू किवें करना है थोड़े को, ठीक है जी। हूँ तुसी की करना है, एक छड़ के पॉइंट लाना है, तो तुसी की करना, एक छड़ के पॉइंट लगा देना। अब जो तुसी एक छड़ के पॉइंट लाओगे, 1 जीरो थोड़ी कंज्यूम होगी, तो थोड़े को 3 जीरो रहेगी। आ 1 जीरो मैंने इस 10 ने एक इतने पॉइंट ला लिया, मतलब इतना तुम्हें समझा दा, ज़्यादा सौखे तरीके ने समझ आजू भी 1000 × 10 10,000 होंगे, आही है आ 10 ने पॉइंट ला दिता, 1.6 हो गया, तो इतने 1000, सो आ हो गया। हूँ आपने इनू उपर लै जाना है, थोड़े पास 1.6, 1000 होंगे 10^3, क्यों 1000 के टुकड़े जोड़े होंगे होंगे 10 × 10 × 10, सो 10^3, सो 1.6 उत्ते जाऊगी तो पावर घट आउदी हो जूगी, सो 1.6 × 10^-3, सो 1.6 × 10^-3, ठीक हो गया जी। सो मेरा ख्याल है जी थोड़े पास जोड़ा है इतने तक तुम हो गए जी, स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ू तो लिखनी भी आ गई थोड़े को, कोई दिक्कत वाली गल नहीं कि बंदा आराम ना लिख लेंदा है। अगले वीडियोस च आप होर पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करांगे भी स्टैंडर्ड फॉर्म किवें लिखनी, ठीक है जी। सो जे चैनल पर नवे हो तो सबसक्राइब जरूर कर लियो थोड़े को, ठीक है। टर्म एग्जाम चो ना टर्म 1 चो टॉप करोगे तुसी अगर सारिया चीज़ा कर लेंगे हो, गरंटी है इस चीज़ की, ठीक है जी। थैंक यू।